गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए हम करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 3। काफी बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी 2 लेग्स हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी 4 लेग्स हैं, तो हमें निकालना होता है आइदर द नंबर ऑफ एनिमल्स हैविंग 4 लेग्स और द नंबर ऑफ एनिमल्स हैविंग 2 लेग्स। सिमिलरली सेम टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कुछ 2 व्हीलर्स हैं, कुछ 4 व्हीलर्स हैं और आपको व्हील्स दिए होते हैं, तो आपको निकालने होते हैं कि नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स या नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी पॉकेट के अंदर कुछ 1 रुपी कॉइन्स हैं, कुछ 50 पैसे कॉइन्स हैं, कुछ 25 पैसे कॉइन्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं आइदर ऑफ 25 पैसे, आइदर ऑफ 50 पैसे और ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, या तो इन क्वेश्चंस को पूरे फुल मेथड से करने की ट्राई करते हैं या ऑप्शन के थ्रू। एक सेकंड मेथड और है कि जब तक आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं या सिर्फ 1 रुपी कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन्स हैं, बट जैसे ही थर्ड वेरिएबल आता है स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ ऑप्शंस के अलावा और कोई मेथड नहीं बचता है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर। तो उनको एक ऐसा मेथड पता होना चाहिए कि बेशक 3 वेरिएबल्स हो, बेशक 4 वेरिएबल्स हो, बेशक 5 वेरिएबल्स हो, उनको क्वेश्चन अटके ना और वो स्पीडली अपने क्वेश्चंस को करते जाए। एज कंपटीशन आगे आगे बढ़ रहा है एग्जाम्स के अंदर, तो बैंक्स के अंदर खासकर एक्सपेक्टेड है कि आपके पास 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आइए हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, एक्सपीरियंस फ्रूट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। ए बैग कंटेन्स ए टोटल ऑफ 105 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे डिनोमिनेशंस। वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 इफ देयर आर टोटल ऑफ 50.5 रुपीज इन द बैग एंड इट इज नोन दैट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स आर 133.33% मोर देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। ओके, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स निकालने हैं और साथ में एक कंडीशन दी है कि उसने हमारे जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो 133.33% ज्यादा है 1 रुपए कॉइन से। तो 133.33% का मतलब क्या है, 4/3। ये वैल्यू कैसे आई ये आप सब देख सकते हैं, बाकी जब हम परसेंटेज चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज याद करनी है परसेंटेजेस के अंदर जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आती है। सिर्फ 10-20 वैल्यूज है, अगर आप वो याद कर देते हैं तो एप्टीट्यूड एग्जाम्स के अंदर मोस्टली सारी की सारी वैल्यूज उन्हीं आसपास आती है, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे याद था 4/3 इज इक्वल टू 1.33 और ये हमारा 133.33% बनता है। अब ध्यान से देखिए कि ये कह रहा है कि 133.33% ज्यादा है। अगर मैं अपने 1 रुपी कॉइन्स को 3 मानता हूं तो मुझे नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने मानने पड़ेंगे, 3+4=7, क्योंकि वो कह रहा है कि 133.33% से ज्यादा है, तो 3 के अंदर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 25 पैसे कॉइन्स और 1 रुपी कॉइन्स का, सॉरी यहां पे मैंने मिसप्रिंट कर लिया है, 1 रुपी कॉइन्स हमारे 3 है तो 25 पैसे कॉइन्स हमारे कितने होंगे, 7। तो आइदर आप इसको यहाँ पे 1 रुपी कर लीजिएगा, यहाँ पे 7:3 कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि द रेशियो ऑफ 1 रुपी कॉइन्स टू रेशियो ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 3:7। ओके, अब एक तो हमारे पास हमारी पॉकेट में कुछ 1 रुपी कॉइन्स है, कुछ 50 पैसे कॉइन्स है, कुछ 25 पैसे कॉइन्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस क्या रहती है कि जो मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं इसकी जगह हमारे पास एक एवरेज डिनोमिनेशन प्राइस आ जाए कि अगर मैं सारे सिक्के उतने डिनोमिनेशन के रखूं तो मेरी जो अमाउंट है वो सेम बने जो कि मेरे अलग अलग अमाउंट के इतने सिक्के रखने में बनती है। तो सबसे पहले हम एलिगेशन के थ्रू क्या निकालेंगे, वो एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज निकालने की जो सुपर टेक्निक थी मैंने वो आपको बताई थी लेक्चर 1 पार्ट 1 के अंदर, वो क्या थी,
सबसे पहले हम 1 करेंगे, 0.50 लिखेंगे, 25 पैसे लिखेंगे और 1 के कोरिस्पोंडिंग का वेट लिखेंगे, जैसे 3:7 है, इसका मतलब 3A and 7A, तो यहां पे लिख लिया मैंने 3A and 7A। अब इस सुपर टेक्निक का फायदा क्या होता है कि आपकी एक इक्वेशन कम हो जाती है। अगर आप इसको फुल मेथड से करेंगे तो आपको ये इक्वेशन निकालनी पड़ेगी 105 - 10A, क्योंकि 3A कॉइंस ये हो गए, 7A कॉइंस ये हो गए, टोटल हमारे पास कॉइंस कितने थे 105, तो ये कितने बच के 105 में से इन दोनों का टोटल, यानी 105 - 10A। बट इस सुपर टेक्निक के अंदर हमें इस चीज को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम इन तीनों में से कोई एक वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं और उसका जो कोरस्पोंडिंग वेट है वो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी एवरेज को मान लेंगे 0.50, तो इसके कारण जो ये कोरस्पोंडिंग वेट है ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एज्यूम्ड एवरेज में से हमें कितना चेंज करना है, तो वो चेंज क्या आएगा, 0.50 - 1 या 1 - 0.50, क्योंकि 1 बड़ा है, तो 0.50 × 3A, दैट इज 1.5A। सिमिलरली 0.50 से 0.25 बड़ा है, तो यहाँ पे इसको यहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो -0.25 × 7A। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों वैल्यूज को, तो आपके पास आ जाएगा 0.25A/105, क्योंकि ये जो चेंज है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों के टोटल के अंदर, ये तीनों का टोटल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 105। ओके, तो ये मेरे पास एवरेज डिनोमिनेशन प्राइस आ गया सारे कॉइन्स का। तो अगर मैं अब इसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आने चाहिए, टोटल अमाउंट, यानी 50.5 रुपीज। तो जब मैं इसे 105 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0.50, 52.5, ये 105 से कट जाएगा, तो 0.25 है और ये अमाउंट हमें गिवन है 50.5। यहां से अगर मैं एक ही वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगी 8, तो मेरे पास नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितने बन जाएंगे, 8 × 3 = 24। हालांकि ऑप्शन वाला मेथड से छोटा पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको वैल्यूज ऐसी दी हुई होती है कि आपको चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ जाते हैं, तो वर्स्ट केस में आपका टाइम ज्यादा लग जाता है और इस एक क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आता है, आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि आपका टाइम चला गया तो आप लगातार मिस्टेक्स करते जाते हैं पेपर के अंदर। तो अच्छा ये रहता है कि आपके बेशक एक क्वेश्चन में 10 सेकंड फालतू लग जाए उसके अंदर एरर के चांसेस ना रहे, तो बेटर यही है कि आपको एक जेन्युइन मेथड पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं टू वेरिएबल्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हील्स का है कि आपके पास कुछ टू व्हीलर्स हैं, कुछ फोर व्हीलर्स हैं और टोटल व्हील्स आपको पार्किंग में दिए हुए हैं 520 व्हील्स और सिर्फ 175 व्हीकल्स दिए हुए हैं, और आपको निकालना है कि कितने टू व्हीलर्स हैं आपके पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे मान लेंगे कि टू व्हीलर्स हैं। अब सारे के सारे टू व्हीलर्स हैं तो हमारे पास व्हील कितने होने चाहिए, 350, यानी 175 नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू में सारे के सारे टू व्हील्स, तो 350 व्हील। बट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 520 व्हील्स, तो हमारे कितने व्हील्स ज्यादा दिए हुए हैं, यानी 170 व्हील्स ज्यादा दिए हुए हैं। अब हमने सारे के सारे टू व्हील्स माने थे, अगर हमने 170 व्हील्स को ज्यादा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स ले, पर फोर व्हीलर हमारे कितने व्हील्स बढ़ रहे हैं, टू व्हील्स, यानी अगर हम एक फोर व्हीलर को मानेंगे और बाकी सबको टू व्हीलर मानेंगे तो एक फोर व्हीलर एड करने में हमें कितना इंक्रीमेंट मिला, टू का, हमें कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, 170 का, तो इसका मतलब 85 हमारे हो गए फोर व्हीलर्स, यानी 170 / 2 = 85। बट आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस के अंदर 85 भी दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास ये निकला है ये नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स निकले हैं। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कैसे निकालेंगे, आप टोटल व्हीकल्स में से फोर व्हीलर्स माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएंगे 92 व्हीलर्स। अब प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा अगर हम देखेंगे तो हमने इस क्वेश्चन को तीन स्टेप्स में सोल्व किया है। सबसे पहले हमने अजम्पशन मानी कि सारे सारे टू व्हीलर्स हैं और 350 व्हील्स निकाल लें। सेकंड स्टेप के अंदर हमने देखा कि हम कितने शॉर्ट या कितने ज्यादा रह गए, तो हमने देखा कि हम 170 व्हील्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और थर्ड स्टेप के अंदर हमने नंबर ऑफ टू व्हीलर्स निकालने के लिए टोटल व्हीकल्स में से फोर व्हीलर्स माइनस किए। बट अगर हम ये चीज याद रख लें कि इन टाइप क्वेश्चंस के अंदर जो चीज हमें निकालनी हो उससे रिवर्स हम एज्यूम करते हैं,
जैसे हमें यहाँ पे टू व्हीलर्स निकालने थे, अगर मैं एज्यूम करूं कि यहाँ पे मैं सारे के सारे फोर व्हीलर्स हैं, तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा, जो आपको कुछ सेकंड्स आपकी हेल्प करेगा इंक्रीज करने में। कैसे? अब देखिए, हम सारे सारे फोर व्हीलर्स मान लेते हैं, अगर हमारे सारे के सारे फोर व्हीलर्स होते तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आती, 700। हमारे पास टोटल व्हील्स कितने थे, 520, यानी हमें 180 व्हील्स कम करने हैं। 180 व्हील्स कम करने का मतलब क्या है कि फोर व्हीलर्स की जगह टू व्हीलर्स लगाएं, तो एक व्हीकल के ऊपर हमारे टू व्हील्स कम होते हैं। तो 180 व्हील्स हमारे कितने व्हीकल्स पे कम होंगे, 90 व्हीकल्स पे, तो 90 हमारे आगे डायरेक्ट टू व्हीलर्स। अब देखिए इस तरीके से आपका क्या स्टेप बच गया, ये सब्ट्रैक्शन वाला आपका स्टेप बच गया। तो आपको थॉट प्रोसेस इस हिसाब से डेवलप करना है कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट ना करनी पड़े, और आप कम से कम कैलकुलेशन के अंदर ओरली क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस इन तरीकों से कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन से कैसे करते हैं, सबसे पहले वो लिखते हैं नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, नंबर ऑफ टू व्हील्स पर व्हीकल्स, फोर व्हील्स पर व्हीकल, फिर यहाँ पे लिखेंगे आपके पास वो एवरेज व्हील्स पर व्हीकल, वो आपको दिए हुए 520/175। अब कुछ बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं कि ये आ गया 520/175, अब हम क्या करें, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, उन्हें लगता है कि इसमें टाइम लगेगा और वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये मेथड तो इनका हो ही गया, इस मेथड को कई बच्चे समझ पाए हैं, कुछ नहीं भी समझते और उनको ये वाला मेथड अच्छा लगता है, तो फिर भी आपको इसको पूरा टाइम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बिना डिवाइड करे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, हमें प्रॉब्लम आती है डिविजन के अंदर, तो जो भी डिनोमिनेटर हो एवरेज का, उस डिनोमिनेटर से हम अपने बाकी जो ऊपर दोनों टॉप रो है, दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो जो अब आपकी सिचुएशन है उसमें सिंपल क्या है, आपका सिर्फ ये मल्टीप्लाई का सिस्टम रह गया, और जो नीचे का डिनोमिनेटर है, जब ये दोनों रेशियो आएंगी वो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आप इसे मल्टीप्लाई से माइनस करके आंसर लिख सकते हैं, यानी 175 × 2 = 350, 520 − 350 = 170, सिमिलरली 175 × 4 = 700, 700 − 520 = 180। अब इस रेशियो को और स्मॉलर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 और 85, तो यानी 92 व्हीलर्स और 85 हमारे पास आगे फोर व्हीलर्स। ओके, तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड्स लगा सकते हैं, और जो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने आपको बताई इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप छोटी छोटी ट्रिक्स को लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। बाकी थोड़े दिनों के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, हम परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर ये चीज करेंगे। जैसे कि सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 175 × 72, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 9000 के अराउंड, बट हम इसे क्विकली कर सकते हैं। इसे क्विकली करने का तरीका क्या होगा, 125 × 72 कहा मैंने, अब 125 का मतलब क्या है, हम इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि 125% of 72, 125% को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, 100% + 25%, 25% of 72 आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 18 × 4 = 72, यानी 25% क्या होता है 1/4, तो 74 का क्या आ गया 18, तो 72 + 18 क्या आ गया हमारे पास 90, तो 9000 हमारे पास आ गया। लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मैंने एकदम आप मेरे दिमाग में कोई भी वैल्यू आई 125 × 72, मैंने आपको बता दिया कि ये 9000 होगा, तो परसेंटेज एक ऐसा मेथड है जिससे आप डिविजन्स भी बहुत जल्दी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशंस भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। ओके, तो जब हम परसेंटेज वाला चैप्टर करेंगे, हम वो सब मेथड्स करेंगे जिसके साथ हमारी लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेशंस हो जाएं सिर्फ 2 और 3 डिजिट की। वैसे तो अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स या कोई भी अबेकस वगैरह करते हो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन बट जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा बहुत ही बेसिक ट्रिक्स है, थोड़ी ही प्रैक्टिस करने के ऊपर आपके 2 डिजिट और 3 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन डिविजन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में सिर्फ आपको वही चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन के ऊपर जो ऐसी ट्रिक्स बताए तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन के अंदर टाइम ना लगे एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कुछ शेफर्ड्स हैं, कुछ शीप हैं जो फील्ड के अंदर हैं, तो टोटल हेड्स हमें दिए हुए हैं 60 और टोटल लेंथ हमें दी हुई है 168, हमें निकालनी है नंबर ऑफ शीप कितनी है।
अब मैंने आपको बताया कि हमें वो चीज एज्यूम करनी है जो क्वेश्चन में नहीं निकालनी है। तो नंबर ऑफ शीप दी हुआ है तो हमें शेफर्ड्स एज्यूम करने हैं, हम सारे के सारे शेफर्ड्स मान लेते हैं। तो 60 के 60 शेफर्ड्स हैं तो उनकी कितनी लेग्स होंगी, एक शेफर्ड्स की 2 लेग्स तो 60 शेफर्ड की 120 लेग्स। तो हम कितनी लेग्स हमें बढ़ानी है, 168 माइनस 120 यानी 48 लेग्स हमें इंक्रीज करनी है। अब अगर मैं एक शीप लगाऊंगा एक शेफर्ड की जगह तो लेग्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2, हमें 48 बढ़ानी है तो 48/2 इज इक्वल टू 24 हमारा आ गया आंसर। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेरिएबल्स में, 25 रुपीज है हमारी पॉकेट के अंदर और उसके अंदर डिनोमिनेशन है 20 पैसे की और 50 पैसे की और टोटल 80 कॉइन्स है। हमें 50 पैसे के कॉइन्स बताने हैं कि कितने हैं। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास सारे के सारे 20 पैसे कॉइन्स है। अगर सारे के सारे 20 पैसे कॉइन्स है तो 80 कॉइन्स के अंदर कितने पैसे बन गए, 1600 पैसे यानी 16 रुपीज। हमें कितने चाहिए थे, 25 रुपीज। तो हमारी कितनी अमाउंट शॉर्ट रहेगी, 9 रुपीज। अब अगर एक पैसा मैं 20 पैसे की जगह 50 पैसे करता हूं तो मुझे कितने इंक्रीमेंट मिलता है, 30 पैसे का। हमें कितना इंक्रीमेंट चाहिए, 9 रुपीज का यानी 900 का। तो 900/30 करूंगा तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 50 पैसे, 30 नंबर ऑफ 50 पैसे। ओके, सो प्लीज ज्वाइन माय कोचिंग सेंटर डाइस, प्ले विद प्रॉब्लम्स। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।